नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 12 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शैक्षणिक सत्र के बीच में अब शिक्षकों के नहीं होंगे तबादले, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के मध्य में शिक्षकों के तबादले न करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को यह आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपने आदेशों का सख्ती से पालन करे ताकि तबादलों के मामले में किसी शिक्षक से कोई भेदभाव न हो। एसपीयू में ईआरपी का एम्प्लॉय पोर्टल व लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल तैयार है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में ईआरपी का एम्प्लॉय पोर्टल व लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल तैयार हो गया है। अब इसे शुरू करने के लिए औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। इस बीच शिक्षकों अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है। बुधवार को 44 विभागों कार्यालयों के शिक्षकों अधिकारियों व कर्मचारियों ने ट्रेनिंग में भाग लिया। संजौली में हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन, 2 लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, 10 घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के विरोध में बुधवार को हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के द्वारा धारा 163 लगाने के बावजूद भी संजौली में हजारों की भीड़ जुटी और मस्जिद गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी करीब 6 घंटे अड़े रहे। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को 2 लाठीचार्ज करना पड़ा, पानी की बौछारें भी की। पुलिस लाठीचार्ज और धक्का मुक्की के कारण 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 पुलिस कर्मी भी शामिल है। दर्जनों लोगों को हल्की चोटें भी आई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने बैरिकेड भी तोड़ डाले। इसके बाद जब भीड़ मस्जिद से महज 50 मीटर दूरी पर पहुंची तो दूसरे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने पर धक्का मुक्की से माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने दोबारा भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान दमकल वाहनों की मदद से पानी की तेज बौछारों से भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। पुलिस ने सुबह 9 से शुरू हुए प्रदर्शन से दोपहर बाद 3:30 तक 2 लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद तो लोगों की भीड़ हटने को तैयार नहीं थी। कई बार प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस बेबस नजर आई। खबर शिमला से, संजौली मस्जिद विवाद के बीच नगर निगम के वास्तुकार का तबादला। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण विवाद को गहराता देखकर सरकार ने नगर निगम के वास्तुकार महबूब अली शेख के तबादलादेश जारी कर दिए है। महबूब अली शेख को उनके मूल जल शक्ति विभाग भेजा गया है। बुधवार को निगम के वास्तुकार ने रिलीव कर ट्योग में ज्वाइनिंग दे दी है। सरकार ने अभी निगम के नए वास्तुकार के पद पर नई तैनाती नहीं दी है। ऐसे में नगर निगम ने प्रोजेक्ट निदेशक धीरज कुमार को नगर निगम के वास्तुकार का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। बता दें कि संजौली मस्जिद निर्माण मामले पर स्थानीय लोग निगम की एपी ब्रांच के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा चुके हैं। इसके चलते पिछले कई दिनों से मामला गरमाया हुआ है। ऐसे में सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए महबूब अली से कतवाला कर दिया है। शिमला में बनने वाले रोपवे के लिए दिसंबर में होंगे टेंडर, मुकेश अग्निहोत्री। शिमला शहर में 1734.40 करोड़ रुपए से बनने वाले रोपवे रजू मार्ग के संबंध में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मंगलवार को न्यू डेवलपमेंट बैंक के 3 सदस्यीय दल ने भेंट की। ये दल शिमला, धर्मशाला और मनाली में गत 10 सितंबर से 5 दिवसीय फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर हिमाचल में है। इस मिशन की शिमला नवाचार शहरी परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में दुनिया का दूसरा, भारत और एशिया का पहला 15 स्टेशनों को जोड़ने वाले 13.79 किलोमीटर लंबे रजूमार्ग का निर्माण कार्य 1 मार्च 2025 से आरंभ होगा और इसे 4 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग सरकारी दांव पेश में फंसी राज्य चयन आयोग की पहली पायलट भर्ती। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की पहली पायलट भर्ती सरकारी दांव पेश में उलझ कर रह गई है। नए आयोग के गठन के वक्त भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के तमाम कागजात को ऑनलाइन करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही भंग कर्मचारी चयन आयोग के दौर में शुरू हुई पहली ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटीए पोस्ट कोड 1073 की लिखित परीक्षा को
सेविटी आधार पर करवाने का निर्णय लिया था। परीक्षा हुए 5वां बीत गए और आउटसोर्स एजेंसी ने नतीजा भी तैयार कर लिया है। इसके बावजूद सरकार की ओर से एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया है। परीक्षा का परिणाम एजेंसी ने तैयार कर लिया लेकिन भुगतान ना होने से परिणाम लटक गया। जल जीवन मिशन में दिल्ली से आए हिमाचल को 138 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से 138 करोड़ रुपए की किस्त मिली है। ये पैसे राज्य सरकार को मिल गए। जल शक्ति विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली जाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिलकर आए थे। इसके बाद 138 करोड़ रुपए की किस्त आ गई है। हालांकि जल जीवन मिशन में अभी 2 और किस्तें बाकी जो उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद मिलेगी। खबर मंडी से तहसीलदार संदोल को कारण बताओ नोटिस जारी। प्रदेश सरकार द्वारा लोक अदालतों के माध्यम से लंबित राष्ट्र मामलों के त्वरित निपटारे को लेकर चलाई गई मुहिम को धर्मपुर उपमंडल की संदोल तहसील में गति न मिल पाने पर जिला प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाए हैं और इसी कड़ी में बांध तैनात तहसीलदार से जवाब तलब किया है। CBI की दिल्ली, मुंबई और फरीदाबाद के साथ किन्नौर में दबिश है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की जांच के तहत हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में दबिश देकर अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा रायगढ़ में भी आरोपियों के 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। इस दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज एवं लगभग 19,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये मामला मुंबई स्थित एक निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने से संबंधित है। खबर मंडी से नगर परिषद नेर चौक कार्यालय में सतर्कता विभाग की छापेमारी। नगर परिषद नेर चौक कार्यालय में सतर्कता विभाग की टीम ने बुधवार को छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम लगभग 4:30 बजे जैसी नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो कार्यालय में सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता मौजूद नहीं थे। सतर्कता विभाग की टीम ने नगर परिषद की कनिष्ठ अभियंता को फोन करके ऑफिस बुलाया था तो उन्हें एक सूची थमाकर रिकॉर्ड मांगा, जिसके लिए टीम ने नगर परिषद को कल तक का समय दिया है। बताया जा रहा है कि सतर्कता विभाग को नगर परिषद में टेंडर व दूसरे कार्य में अनियमितताओं की शिकायत मिली है, जिसके आधार पर सतर्कता विभाग की टीम नगर परिषद में जांच करने जा रही है। बिलासपुर में चिट्टे की बड़ी खेप बरामद, गिरफ्तार किए 2 युवकों में से एक कांग्रेस नेता का बेटा। गत मंगलवार को बिलासपुर में हजारों लोगों ने चिट्टे के विरुद्ध रैली निकालकर सरकार से चिट्टा तस्करों के विरुद्ध कड़ा दंड देने का प्रावधान करने की मांग की थी और बुधवार को दूसरे दिन पुलिस की विशेष टीम ने बिलासपुर सीमा पर गारा मोड़ा में नाका लगाकर एक कार से 45.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। उधर आरोपियों में शामिल एक युवक के पिता कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है। उधर सूचनाओं के अनुसार अनिल कुमार के पिता जागीर सिंह, जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जयराम ठाकुर बोले, निहत्ते लोगों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे प्रकरण में सरकार द्वारा पहले दिन से पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। जब ये स्पष्ट है कि मस्जिद कानूनी नहीं है तो न्यायोचित कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन कार्यवाही करने के बजाय मुख्यमंत्री प्रदर्शन करने वाले लोगों को ही धमकाते रहे, सख्ती से निपटने की बात करके जन भावना को आहत करने का प्रयास करते रहे। ये सरकार की नाकामी है। सरकार इस मुद्दे को डील करने में, जन भावनाओं को समझने में और उसका सम्मान करने में असफल रही है। रैगिंग मामला, भारत यूनिवर्सिटी से जवाब तलब, शिक्षा सचिव को मामले की जांच के आदेश। प्रदेश सरकार ने रैगिंग मामले पर भारत यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया है, साथ ही यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने शिक्षा सचिव को इसकी जांच के भी आदेश दिए है और जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। रैगिंग मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के मामलों को हल्के में ना लेने को कहा गया है। बीते दिन भारत यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रैगिंग लेते हुए सामने आए छात्रों के वीडियो पर सरकार ने एक्शन लिया है। मनवेश यात्रा के दौरान 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डल झील में लगाई आस्था की डुबकी।
उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के शाही स्नान में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सप्तमी के दिन यहाँ पर स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग जगहों पर आई छड़ियों ने डाल झील तोड़ने की रस्म को अदा किया। डाल झील की रस्म को अदा करने के बाद यहाँ पर शाही स्नान शुरू हो गया। ज्योतिषियों के अनुसार शाही स्नान मंगलवार रात 11:02 से शुरू होकर बुधवार दोपहर 2:20 तक चलता रहा। इस दौरान देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस पावन अवसर पर पवित्र डाल झील में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। कुनिहार की कोटी शाखा का पोस्टमास्टर गिरफ्तार, नकदी चुराने का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने कुनिहार क्षेत्र की एक शाखा के पोस्टमास्टर को नकदी और जरूरी कागजात चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शाखा पोस्टमास्टर कोटी मोनू कुमार निवासी अमीरपुर पर आरोप है कि उन्होंने शाखा से 52,392 रुपये और कागजात चुराए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी के पास से डाकखाना की सरकारी मोहर, मोबाइल फोन और कार्यालय की ऑर्डर बुक बरामद कर ली है। नकदी बरामदगी अभी बाकी है। SP गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। रिमांड को लेकर उसे नकदी के बारे में पूछताछ की जाएगी। खबर मंडी से वायु संगठनों ने CM सुक्कू को भेजा ज्ञापन, प्रदेश में अवैध मस्जिदों और भारी घुसपैठ पर जताई आपत्ति। देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व में 22 विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा बुधवार को सुंदरनगर के SDM गिरीश सामरा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू को ज्ञापन भेजा गया है। इस ज्ञापन में प्रदेश में अवैध रूप से बन रही मस्जिदों की जांच करने और बाहर से हिमाचल प्रदेश में आए बसे समुदाय के लोगों का बिना किसी वैध पहचान के रहना और व्यवसाय करने तथा वक्फ कानून में संशोधन करने की मांग को उठाया गया। ज्ञापन में सरकार को आगाह किया गया है कि इस शांत प्रदेश में भारी लोगों की घुसपैठ को ज्यादा देर तक सहन नहीं किया जा सकता है। यदि समय रहते इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो जनमानस कानून को हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। प्रसोलन से वारा यूनिवर्सिटी रैगिंग मामले में 2 और छात्र गिरफ्तार, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। सोलन की वारा यूनिवर्सिटी में रैगिंग के मामले में पुलिस ने जांच के बाद 2 और छात्रों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 5 छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद वारा यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने भी कड़े कदम उठाते हुए मामले में कुछ छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है, जबकि अन्य के खिलाफ अन्य कार्यवाही की जा रही है। खबर कुल्लू से, रोशन हुआ ऐतिहासिक गांव मलाना, 42 दिन बाद बिजली आपूर्ति बहाल। मलाना नाले में फटे बादल के कारण तबाह हुई बिजली लाइन से अंधेरे में डूबा ऐतिहासिक गांव मलाना आखिर 42 दिनों बाद रोशन हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद बिजली बोर्ड ने मलाना की बिजली लाइन को वैकल्पिक रूप से सुचारू कर दिया है, जिसके चलते मलाना वासियों के घर आंगन रोशन हो गया। वेदर अपडेट, 12 और 13 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट, सिरमौर व किन्नौर में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा और आगामी 2 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जिला सिरमौर व किन्नौर में भूस्खलन और बाढ़ आने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को कहीं कहीं पर भारी बारिश, मेघ गर्जन और बिजली गिरने की संभावनाएं हैं, जबकि 14 सितंबर से मौसम साफ रहेगा और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। 13 सितंबर को सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, किन्नौर व आसपास के इलाकों में भारी बारिश, जबकि मंडी, कांगड़ा, ऊना व हमीरपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। बुधवार को येलो अलर्ट के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है, जिसमें मनाली में 3, कल्पा 4, सोलन 1.4, बिलासपुर में 0.5, चंबा 1, डलहौजी में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम हल्के बालों वाला रहा और धूप खिली रही।